दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक की 10वीं पास कैंडिडेट लिए 38,000 प्लस जॉब रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट हुई है। उम्मीद है पंजाब के आल कैंडिडेट ने यह पोस्ट फिल कर दी होगी। जे नहीं की इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं तुम्हें तो एक वीडियो का लिंक दे देंगे, उस वीडियो में देख लियो। उस वीडियो में मैं समझाया हुआ है कि तुम मोबाइल से ऑनलाइन पोस्ट में फ्री में किमें अप्लाई कर सकते हो। ओके दोस्तों जे नहीं की तो वीडियो देख के जरूर अप्लाई कर दो, काफ़ी चंगी पोस्ट है। तो हुण इस वीडियो का मेन मोटिव की है, सिलेक्शन प्रोसैस बारे तुहानू समझाउणा कि सिलेक्शन प्रोसैस किवें रहेगा, की एग्जाम होगा कि नहीं। यह वीडियो ध्यान नाल देख लियो, समझ लियो, सारे डाउट तुहाडे क्लीयर हो जाणगे। पर इस तो पहले एक गल तुहानू समझा दें, काफ़ी चैनल्स वाले कह रहे हैं 38,000 पोस्टा ने, 38,000 पोस्टा ने, बट आल इंडिया विच है 38,000 पोस्ट। तो पंजाब की पोस्टा की गल करिए टोटल पोस्टा इतने आप चैक कर सकते हैं, टोटल पोस्टा ने पंजाब च इतने आप चैक कर सकते हैं। 24 अते 25 नंबर पर जो है ये कॉलम दिता हुआ, कि पोस्टा बारे पूरी मैनशन इतने की हुई है इन्होंने, तो चैक कर लेनी आप कि पोस्टा ने इतने 948 प्लस 21 पोस्टा ने, अराउंड आप मन के चलिए फिगर आउट 1,020 टोटल पोस्टा ने ओनली पंजाब। ओके 38,000 पोस्टा नहीं ने, आल इंडिया ने 38,000 प्लस पोस्टा ने, तो पंजाब 1,000 पोस्टा मन के चलो, पंजाब 1,000 पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक दी है। हुण आपां जान लैणे इस दा सिलेक्शन प्रोसैस की रहेगा। दोस्तों इस पोस्ट में जो तुसीं अप्लाई करते हो इसका कोई भी एग्जाम नहीं हुंदा, सिर्फ 10वीं दे नंबरां दे 10वीं दे परसेंटेज दे बेस ते तुहाडा जिहड़ा फाइनल मैरिट लिस्ट बनेगी। ओवरऑल कहने का यही मतलब है कोई एग्जाम नहीं होगा, जे तुहाडे 10वीं विच वधिया नंबर ने तां ही तुहाडी सिलैक्शन होगी, तो जे तुसीं मैरिट लिस्ट विच आउंदे हो तां ही तुहानूं अगे दा प्रोसैस करन नूं मिलेगा। एंड 10वीं तो बाद तुसीं 12th की है, ग्रैजुएशन की है या कोई डिप्लोमा किया है, उसका कोई बेनीफिट तुहानूं नहीं मिलने वाला, सिर्फ 10वीं के अंकों के बेस से जिन्हें भी परसेंटेज बनते हैं, जो हाई परसेंट बनते हैं तो तुहाडा सिलैक्शन श्योर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज से कि 10वीं के बेस से किमें सिलेक्शन होगी, इतना सीधी परसेंटेज के बेस से सिलेक्शन होगी, याद रखियो। एंड जे इस रिगार्डिंग कोई होर सवाल है तो यह मेरा इंस्टाग्राम आई डी नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे गल करके पूरी जानकारी इस रिगार्डिंग लै सकते हो।